Hello everyone, welcome to PACANS.com. Today I'm going to teach you basic English and I'm going to tell you about the syllables. अच्छा अब ये जो syllables हैं इसको मैंने थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ाना था मगर जब हम adjective start करेंगे आपको समझ नहीं आएगी. You're not going to understand the adjective unless I tell you about the syllables. अच्छा syllable क्या होता है? मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये word पहली बार सुन रहे होंगे. सिलेबल होता है कि एक जो इंग्लिश का वर्ड है जब आप उसको बोलते हैं वो कितने टुकड़ों में टूट जाता है. मतलब एक वर्ड हम तो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी गया था. इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी. मतलब एक ही वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको अलहदा अलहदा बोलना होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए. मतलब कि आप भी सही बोलें और जो सुन रहे हैं आपको उसको भी सही समझ आए. तो सिलेबल होता क्या है और इसको पता कैसे लगाते हैं? आपको वॉवल्स का पता होगा, ए ई आई ओ यू. इसको वॉवल्स नहीं कहते, इसको वॉवल्स कहते हैं. अच्छा एक और वर्ड भी है जो सिलेबल्स में यूज होता है, वाई. इसको भी आप छोड़ दें, वॉवल्स को छोड़ दें, आपको कंफ्यूज करेंगे. मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप एक इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं आपके जो लिप्स हैं या आपका मुंह है वो कितनी बार हिलता है? अच्छा कार, कार मतलब ये जो कार वर्ड है कितनी बार हिला आपका मुंह? कार, एक बार. बुक, एक बार. स्कूल, एक बार. लैपटॉप, लैपटॉप दो बार. वर्किंग दो बार. ब्यूटीफुल, 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 दैट इज थ्री सिलेबल. लिबर्टी, लिबर्टी तीन बार. तो इसकी एक लिस्ट है जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. ये आपकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत इम्प्रूव करेगा मगर अभी जो है ये सिर्फ एडजेक्टिव्स को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वन सिलेबल क्या होता है, टू सिलेबल क्या होता है और थ्री सिलेबल क्या होता है.